हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल, क्योंकि हमारे सारे जो एटम्स हैं, जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये सजेस्ट किसने किया? इट इज सजेस्टेड बाय बोर एंड बोरी। सो जो बोर थे, नील बोर, और एक और साइंटिस्ट थे उनके अंडर में, बोरी, तो इन दोनों ने मिलके दे सजेस्टेड कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल में कैसे होता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, एक्सपेरिमेंट से पता लगाए। वो रूल्स क्या थे? रूल्स आर लाइक दिस कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 की पावर n² वेयर n क्या चीज़ है? n इज द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल बोले, इंडेक्स, एनर्जी लेवल इंडेक्स 1, 2, 3। कहने का मतलब कि ये मेरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये के शेल, एल एम एन शेल, तो के की जगह क्या बोल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू मालूम है। तो कहने का मतलब यदि मुझे चाहिए कि इस ऑर्बिट में या इस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस फॉर्मूले से मालूम चलेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। तो जैसे मान लो अब हम एन फर्स्ट सेल सब में निकालते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो के शेल, दिस इज द के शेल, के शेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू क्या है, एन इज इक्वल टू 1। यदि एन इज इक्वल टू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूला से आएंगे, इस फॉर्मूला 2n², तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 की पावर n² और एन जो है क्या है, 1 है, तो 2 की पावर (n)(1)² तो 1 की पावर² क्या हो गया, 1, तो कर लो 1, 2 × 1 कितना हुआ, 2। दैट मीन्स जो के शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 2, या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो शेल है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेम वे में यदि हम नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट क्या है हमारा, एल शेल, एल मीन्स क्या, ऑर्बिट नंबर 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 × 2 की पावर² 2, फॉर्मूला क्या है, 2n², एन इज द ऑर्बिट नंबर, 2 × 2² तो 2 × 2 = 4 × 2, दैट मीन्स 2 × 4, 4 × 2 = 8, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में या एल शेल में, तो आप ये के एल एम को भूल जाओ, ये आपको बस याद रखना है, के एल एम ऑर्बिट से ज़्यादा अच्छा याद होता है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कितने हो सकते हैं, 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सेकेंड ऑर्बिट में किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेम वे में यदि एम शेल निकाल लें, एम इज ऑर्बिट नंबर 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 × 3 की पावर 2 कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 2 × 9 = 2 कितना होगा, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थर्ड जो ये शेल है हमारा, ये एम शेल, उसमें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, राइट, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो इसका डायमीटर ही बढ़ता जा रहा है, तो देर इज अ स्पेस, इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से मूव कर सकते हैं बिना एक दूसरे टकराए, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, जो बोर एंड बोरी ने हमको दिया, 2n². सेम एन शेल का हम निकाल सकते हैं, n = 4, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने हुए मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 × 32, दैट मीन्स 32 एन। इस तरीके से नंबर ऑफ ये लेयर यदि बढ़ती जाती हैं या शेल्स बढ़ते जाते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज वन थिंग दे ऑल्सो सेट, एक और रूल उन्होंने बनाया, वो क्या रूल में उन्होंने पता लगाया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सपोज किसी एटम के अंदर या किसी एलिमेंट के एटम के अंदर ऐसा है, उसके अंदर मान लो ये दो ही शेल है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, दो ही हैं, बाकी नहीं है, दैट मीन्स जो बाहर वाले में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 8, और इसमें तो होते ही 8 हैं। यदि मैं थर्ड वाले में लूँ कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 18, पर ये मेरा लास्ट है, इसके बाद कोई शेल ही नहीं है, एलिमेंट उस जिस भी एलिमेंट का एटम है उसमें 3 से ज़्यादा उसमें मान लो ये ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स थर्ड में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एज पर दिस फॉर्मूला, 2n², वेयर एज अनदर थिंग जो सेकंड रूल क्या बोलता है, उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। यदि ये आउटर मोस्ट है तो इसमें 18 तो हो सकते थे, बट क्योंकि ये आउटर मोस्ट है उसमें इसलिए मैक्सिमम कितने होंगे, 8, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, दैट वॉज अ सेकेंड रूल। ओके एंड द थर्ड रूल वॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। कहने का मतलब कि यदि मैं न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन यदि डाल
पुट करूंगा आप रखते हो, तो पहले मैं के शेल को भरूंगा। के शेल में कितने भर सकता हूँ, मैक्सिमम टू। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा, दो इसमें भरेंगे। जब दो इसमें भर गए, उसके बाद मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैं कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वाले में। उसमें कितने जाएंगे, एट। मीन्स 2 + 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन तो दो सेल में जाएंगे। ऐसे नहीं मैं डायरेक्टली थर्ड सेल में डाल दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। एंड दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। तो इसी को बोलते हैं कि पहले ऑर्बिट भरेंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट भरेंगे, फिर थर्ड भरेंगे, फोर्थ भरेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज वॉट सजेस्टेड बाय बोर एंड बोरे। तो यदि मैं इस तरीके से भरूँ, तो इन्होंने एक टेबल बनाई, उन्होंने बोला हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो किस सेल में आएगा, पहले सेल में। दूसरा एटम होता है हीलियम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले ऑर्बिट में आएंगे, 1 2। ऐसे यदि थर्ड आएगा तो क्या होगा, उसके लिए अब इससे दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, बाहर वाले में जाऊँगा। फिर इसमें मैं कितने भर सकता हूँ, 1 तो भर दिया, मैक्सिमम कितने भर सकता हूँ, 8 सेकेंड सेल में। सो आई कीप ऑन एडिंग, इस तरीके से मैं ऐड करता जाऊँगा, अल्टीमेटली जब तक ये 8 नहीं हो जाए, तो दैट मीन्स, तो मैंने टोटल कितने भरे, 2 फर्स्ट लेयर में, सेकेंड लेयर में 8 10 भर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लोगे तो फिर क्या, मेरे को एक और लेयर लगानी होगी, उसमें मैं ऐसे फर्स्ट फिर सेकेंड और ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता हूँ, कब तक, जब तक मेरे इसमें 8 ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी आउटर मोस्ट लेयर है, राइट। सो दिस वे वी कंटिन्यू फिलिंग द ऑर्बिट्स और शेल, एंड दैट इज व्हाट प्रपोज अ बोर एंड बोरी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसको ऐसे भरने से क्या होता है, क्या मेरे जो एटम्स हैं हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होता है? यस, होता है। और पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, कि सारी केमिस्ट्री या दुनिया में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उन्हीं से होता है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, और वो कैसे होती हैं, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो इसमें एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, इसमें हुए 2, फिर क्या होंगे, पहला शेल भर गया, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या होंगे, 1, फिर 2, करते करते हम कहाँ पहुँचे थे, अल्टीमेटली 7 8 हो जाए। फिर दोबारा से नेक्स्ट एक एडिशनल सेल लिया, उसमें बढ़ते जाएंगे, तब तक जब तक उसमें 8 नहीं हो जाए। वाई, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कान बी अकोमोडेटेड द आउटर ऑर्बिट इज 8। क्लियर हो गया, ओके। अब यदि हम ध्यान से देखें पहले ऑर्बिट को, या पहला फर्स्ट ऑर्बिट या शेल को देखते हैं, ठीक है, के शेल, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, या हो सकते हैं 1 हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता है, राइट। तो यदि एटम्स, यदि किसी भी एटम के चारों तरफ पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद दोनों अवेलेबल हैं, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत स्टेबल है। और इस वाले में जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट इज़ स्टिल एडिशनल स्कोप है, और स्कोप है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है आयन बनने के लिए, राइट। तो एक दे देगा बिना इलेक्ट्रॉन का, हो गया। तो आप इसको बिना इलेक्ट्रॉन वाले को एक बार भूल जाओ, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी 1 मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड। एडेड होने के बाद क्या होगा, इट विल बिकम स्टेबल। स्टेबल मतलब केमिकली क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर वी से इट इज़ इनर्ट। इनर्ट है, इसको किसी से लेना, साधु बन गया, साधु संत हो गया, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हेन इट बिकम साधु संत और स्टेबल, वो केमिकली लेस रिएक्टिव। अब वो केमिकली दूसरों से रिएक्ट, दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था। क्योंकि एक बार उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और दे लिए, तो वो इस बिजनेस में आएगा ही नहीं। जब वो लेने देने के बिजनेस में नहीं आएगा, सो वी से इट इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव और इनर्ट, और अनदर टर्म में स्टेबल है, शांत चित्त है वो। अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, 2 ऑर्बिट होते तो दो ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में तो 2 होंगे, उसके बाद ही इसमें आएगा, राइट। तो इसमें कितने आ सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। जब ये 0 है, तो इस ऊपर वाले ऑर्बिट का कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स इट इज द सेम वन, दिस वन, या लेफ्ट वन जो है ना, ओके। तो मीन्स नेक्स्ट स्टेबल स्टेट, पहली स्टेबल स्टेट का थी जब पहली लेयर के अंदर 2 हों। दूसरी स्टेबल स्टेट तब आ रही है वो एलिमेंट या वो एटम्स जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में होंगे, अंदर में 2 होंगे, दैट मीन्स टोटल 10 होंगे, तो वो केमिकली क्या होगा, स्टेबल होगा, या केमिकली लेस रिएक्टिव होगा।
बड़ा शांत चित्त होगा, उसको कोई लेने देने की जरूरत नहीं है। वेयर एज मोमेंटरली यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाला में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता, या तो ये केस हो सकता है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एटम है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये सेल क्या अभी स्टेबल नहीं है। ये कौन से सेल की बात कर रहे हैं, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल मतलब एल सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एट, अभी कितने हैं, सेवन, एक कम हो गया, तो इसको एक चाहिए। या ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एक केस कि भैया पहला वाला बढ़ा हुआ है और इसमें हमारे सेकेंड लेयर में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये एटम क्या चाहेगा, ये अपना स्टेबल होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देना चाहेगा, भैया मेरे से ले लो, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा, राइट, तो मेरे को कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ इसको। वेयर एज ये वाला क्या चाहेगा एटम, ये चाहेगा कि मुझे एक कहीं से मिल जाए, ये बाकी को देना नहीं चाहेगा, कि मुझे एक मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। तो ये देने को एक तैयार है, ये लेने को तैयार है। सिमिलरली यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूँ, तो देखो अभी कितने रह गए, छः, तो इट मीन्स ये छः है तो ये छः नहीं देना चाहेगा, ये कहेगा मुझे दो कहीं से मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ। वेयर एज जिसके पास दो है वो कहेगा भैया मैं इसे दो ले लो, आई विल बिकम स्टेबल। सेम वे में यदि किसके पास तीन है तो अभी इसको कितने चाहिए होंगे, पाँच चाहिए होंगे, या इसके पास पहले से पाँच है तो ये तीन लेना चाहेगा, तो पाँचों को देना नहीं चाहेगा, यू विल प्रेफर कि मुझे कहीं से भी तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, राइट। सिमिलरली ये तीनों कहेगा ले लो, तो सो दैट आई विल बिकम स्टेबल। यदि फोर फोर हुए, एक कंडीशन ऐसे आ सकती है चारों, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि ये कहेगा कि मैं चारों दे भी सकता हूँ, या मेरे को कोई चार दे दे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, तो ये कभी कभी चारों दे भी देगा या चारों को लेना भी चाहेगा, तो दोनों तरह की कंडीशन है। दैट मीन्स अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या बता रहे हैं, देखो हमारे एटम्स का नाम भी चल रहा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमने अभी बात की, ये डिफरेंट एटम्स हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग हो गई। ये देने को तीन तैयार है, ये दो तैयार है स्टेबल फॉर्म में आने के लिए, वेयर एज नीचे वाले क्या है, सब लेने को तैयार है। ये ऐसा आदमी है जो भी दे भी सकता है और ले भी सकता है। जब कोई ले सकता है, दे सकता है, जब हम ऐसी बात कर रहे हैं, कोई देने को तैयार है, कोई लेने को तैयार है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग विद डिफरेंट पर्सन्स, या डिफरेंट हम एटम्स की बात कर रहे हैं। जब डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, डिफरेंट है, क्लियर। और केमिकली में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में, दे आर केमिकली जब ले रहे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, लेने देने कोई, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दीज जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो केमिकली उतना एक्टिव हो गया, जो कितना कम देगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा, और जो बिल्कुल ही ना लेने देने में विश्वास ही नहीं करता है, खुद अपने मस्त है, तो वी से इट इज इनर्ट और स्टेबल। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड।